नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंदा। आप देख रहे हैं टेकन मेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लुलिकोनाजोल क्रीम के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लुलिकोनाजोल क्रीम के बारे में सब कुछ, जैसे कि किन रोगों के कारण ये क्रीम लगाया जाता है, इस क्रीम को लगाने का सही तरीका क्या है, ये क्रीम इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसका साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। लुलिकोनाजोल आजोल ग्रुप का मेडिसिन है जो किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन के ग्रोथ को रोकने का काम करती है। आसान शब्द में कहे तो लुलिकोनाजोल का उपयोग नंबर वन एथलीट्स फुट, यानी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो सामान्य तौर पे पैर की उंगलियों के बीच देखा जाता है। एथलीट्स फुट आमतौर पर उन लोगों में होता है जो लोग टाइट फिटिंग जूते पहनते हैं और जिनके पैर जूतों के अंदर हमेशा पसीना से भीगा हुआ रहता है। नंबर टू जॉक इच, यानी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो दोनों जांघों के बीच नितंब, जननांग और कमर में शुरू होता है। ये स्थिति अक्सर तब होती है जब लोग ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े पहनते हैं और हवा ना लगने के कारण उस जगह में नमी रहती है। नंबर थ्री रिंगवर्म, ये भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है जो कि शरीर के किसी भी हिस्से में स्किन या स्कैल्प में होता है। रिंगवर्म को हिंदी में दाद भी कहा जाता है। रिंगवर्म स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से या किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल के टच यानी छूने से भी होता है। यह है दोस्तों लुलिबेट ब्रांड नेम के लुलिकोनाजोल क्रीम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BDR फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड, मार्केटेड बाई इंट्रास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये ट्यूब 20, 30 और 50 ग्राम के पैकिंग में मार्केट में उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है लुलिकोनाजोल क्रीम 1%। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फॉर एक्सटर्नल यूज। इसका मतलब है ये बॉडी के कोई भी इंटरनल पार्ट में लगाना नहीं चाहिए, जैसे कि मुँह, आँख, वजेने के अंदर बिल्कुल भी लगाना नहीं चाहिए। इस मेडिसिन को बच्चों से दूर रखिए। देखिए लिखा हुआ है कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन। अब बात करें दोस्तों एक्सपायरी डेट की, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप अगर देख पा रहे तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डेट इज 24 months प्रियर टू एक्सपायरी डेट, बैच नंबर एंड एक्सपायरी डेट ऑन द क्रीम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमी 2019 जुलाई 21। इसका मतलब हुआ एक्सपायरी डेट से 24 महीना पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। इसका मतलब 2021 की 21 जुलाई को यह दवाई एक्सपायरी होगी। पर मैं आपको इस क्रीम को लगाने का सही तरीका बताता हूँ। दिन में 2 times इसे लगाइए, कंटिन्यू कम से कम 1 महीना तक लगाइए। लगाने से पहले जहाँ फंगल इन्फेक्शन है उस जगह को साधारण पानी से धो लीजिए, फिर अच्छी तरह से सूखे तौलिया या कपड़ा से पोंछ लीजिए। इसके बाद दांत के चारों तरफ से पहले क्रीम को लगाइए, फिर अंदर के तरफ लगाइए। इस क्रीम को लगाने के बाद किसी भी और जगह को टच मत कीजिए और अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लीजिए। इस दवा को आँख, मुँह और वजेना में नहीं लगाना चाहिए। इस क्रीम का अधिक लाभ पाने के लिए नियमित रूप से इसको प्रयोग करें। पर एक चीज ध्यान रखिए, 4 से 5 दिन लुलिकोनाजोल क्रीम लगाने से ही दांत दिखना बंद हो जाता है, पर आपको कंटिन्यू लगाना है या जैसे आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है, नहीं तो 4 से 5 दिन बाद फिर वापस दांत होने का संभावना रहती है। और हमेशा ढीले ढाला कपड़े पहनिए और शरीर के किसी भी जगह पर पसीना ज़्यादा देर तक रहने ना दें। इसके लिए कोई भी पाउडर इस्तेमाल करें। और दोस्तों बात करें इसके प्राइस के बारे में, मार्केट में 20 ग्राम के लुलिबेट क्रीम के 258 रुपये प्राइस मैंने देखा है। अब अगर बात करें दोस्तों इस क्रीम के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, वैसे कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलता है। फिर भी अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि रैश, इचिंग, सॉइलिंग, डिजीनेस दिखे तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो में कुछ भी जानकारी मिला है तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए,
ताकि जब भी कोई मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। अगर ऐसे ही और भी कोई मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। बार बार हमारे चैनल में आके वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद।